डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू -3/2 और वो आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व भी करते हैं, समय भी बचाते, दोनों काम करेंगे। कॉस अल्फा माइनस बीटा को ओपन कर लें, ये दिया हुआ है आपको। कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी ओपन कर ले, काफ़ी लिखना पड़ता है इसमें, इसीलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। कॉस गामा साइन बीटा, अब तीसरी चीज कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/2। अब आप ध्यान से सुनिए, ए टू उधर ले जाता हूँ, सब में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और -3 को बाद में इधर लाऊंगा। तो पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे, तो सबको अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से ये भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा शानदार सवाल है, लोग आज इसे बहुत पसंद करते हैं। 2 कॉस अल्फा गामा आना चाहिए ना इसमें, कॉस अल्फा कॉस गामा, तो 2 कॉस अल्फा कॉस गामा, 2 साइन अल्फा साइन गामा +3 = 0। अब +3 के 3 पार्ट कर लेते हैं, +3 को लिख लेते हैं 1 + 1 + 1, क्या लिख लेंगे, 1 + 1 + 1, तो 1 और 1 + 1 + 1 ये लिखेंगे, फिर पूरा लिखेंगे। तो बेहतर है कि मैं यहीं पे आपके लिए लिख देता हूँ 1 + 1 + 1, ये 3 को मैं ऐसे ही ब्रेक कर देता हूँ, 3 को यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 1 + 1 + 1 = 0। यही ट्रिक है इसकी, 1 + 1 + 1, 3 को ब्रेक कर दिया। अब क्या लिखेंगे उस 1 को मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो, तब तक आप ऐसा करें कि कॉस वालों को पास में ले लें, ये कॉस ये कॉस ये कॉस वाले पास में ले लें, तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस बीटा कॉस गामा +2 कॉस गामा कॉस अल्फा, ये आ गए कॉस वाले। अब ये साइन वाले साथ में ले लेना, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन गामा साइन अल्फा +1 + 1 + 1। तो इस +1 को, पहले वाले +1 को आप लिख दें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे को क्या लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यही ट्रिक है, बस यही इसकी छोटी सी ट्रिक है। ये ध्यान रखा किसी ने तो उसका सारा काम बन गया। ये आर जैसा गामा है इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी कॉस कॉस को साथ ले लो, ये कॉस और ये कॉस, इनको कॉस के साथ ले लो। तो सबसे पहले उन्हीं को लिख लो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस ये जो बचे हुए हैं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस बीटा कॉस गामा, 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस। अब साइन वालों को ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपका वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगेगा आप समझ गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी,
होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होल स्क्वायर, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब आपको एक बात सोचना है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जीरो है तो ए और बी की कोई ऐसी वैल्यूज बताओ, कॉम्प्लेक्स नहीं बताना, इमेजिनरी नहीं बताना, कोई रियल बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इससे ए और बी की दो ही वैल्यूज आएंगी, मतलब ए की एक वैल्यू आएगी और बी की एक वैल्यू आएगी और वो जीरो ही जीरो आएगी, इसके अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि दोनों स्क्वायर्स हैं। तो बीइंग स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव हो जाएंगे मतलब नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, और नॉन नेगेटिव उसका सम जीरो का भी होगा क्या, अनटिल अनलेस दे आर देमसेल्व्स जीरो, जब तक वो खुद की खुद जीरो नहीं हो। तो यही लॉजिक इधर लगा के लिख पाएंगे हम इम्प्लाइज, इस निशान का मतलब है इम्प्लाइज, इट शोज दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी जीरो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी जीरो। तो ये था दोस्तों इसका प्रूफ कि दोनों की दोनों जीरो के बराबर होंगे, मतलब ये वाला पार्ट ये भी पूरा जीरो ये भी पूरा जीरो। तो आपने देखा हमने किया और काफ़ी कम समय में करा, तकरीबन 6 मिनट हमको लगे, जब आप खुद ट्राई करोगे तो ये आपका 5 मिनट 4 मिनट में ही हो जाएगा सवाल। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आता है एग्ज़ाम में तो इसका वेटेज 6 मार्क्स का होता है, 6, 5 और 1 6, आपको क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क्स 4 और 6 इस कैटेगरी में आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स 4 और 6, तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करते रहिए, चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, उन तक ये सवाल पहुँचें जहाँ बच्चे इस सुविधा को नहीं पा पाते, जहाँ उनको इस सुविधाओं का अभाव होता है और इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते, उन तक ये सवाल पहुँचे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।